बात बोलेगी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजन बाबू से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाएंगे। आप सब जानते हैं कि राजन बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे और उनकी प्रतिभा को लेके और उनके स्वभाव को लेके इतने किस्से हैं और सब अच्छे ही अच्छे के किस्से हैं। उनके मेरिट के किस्से इतने ज़्यादा हैं कि बल्कि उनके बारे में बिहार में ख़ास तौर से और उस ज़माने में पूरे मुल्क में ये चर्चा थी कि उनके किसी एग्ज़ामिनर ने उनकी कॉपी में, जब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो किसी एग्ज़ामिनर ने उनकी कॉपी पे लिख दिया कि एग्ज़ामिनी इज़ बेटर देन एग्ज़ामिनर, कि परीक्षार्थी से ये कॉपी चेक करने वाला उससे बेहतर है परीक्षार्थी। अब वो तब का ज़माना और था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये कहानी सब लोग सुनते चलाते रहे हैं। तो उनकी प्रतिभा को लेके कई तरह के किस्से अभी भी हैं और तब और ज़्यादा थे। गांधी, उनको वो आज़ादी का की लड़ाई में उनकी भागीदारी एक तरह से शुरू हो गई थी स्वदेशी, जब बंगाल का विभाजन हुआ उसी दौर से थोड़ा बहुत पढ़ा, विद्यार्थी जीवन से उन्होंने कपड़े स्वदेशी पहनना बाकी चीज़ें शुरू कर दिया था, लेकिन उनका पूरा आंदोलन में उस तरह से भागीदारी चंपारण से शुरू हुई जब गांधी उनको अपने साथ लेके मोतिहारी गए और मोतिहारी में वो भी ब्रजकिशोर प्रसाद के कहने से गए थे। तो वहाँ का आंदोलन जब शुरू हुआ उसी से चंपारण से और गांधी से उनका रिश्ता ऐसा बना कि मेरे ख्याल 6-7 किताबें उन्होंने बाद में गांधी पे लिखी। चंपारण पे भी उनकी लिखी किताब सबसे अच्छी मानी जाती है और चंपारण को लेके बार बार उनके मन में, चंपारण में उनकी रिश्तेदारी भी बाद में हुई, चंपारण में वो उनकी खेती भी बाद में हुई, वो बगल के ज़िले के थे तो चंपारण में उनका संबंध इसी तरह से बना और वो बार बार वहाँ जाते थे। उनके एक बेटे की शादी चंपारण में हुई। तो राजन बाबू के बारे में कहानी ये है असल में कि उन माना जाता था कि उनकी याददाश्त बहुत ही अच्छी है और फोटो शॉप मेमोरी कहा जाता है कि एक बार जो चीज़ देख लें वो उनको याद हो जाता था। चंपारण को लेके भी उनके मन में रह रह के ये बातें आती थीं। तो एक ये प्रसंग जो मैं आज आपके सामने रखूँगा, ये एक पुराने आईसीएस अफसर थे सोहनी साहब, आर एस सोहनी, मराठी थे, बिहार में रहते थे, राजन बाबू के बड़े प्रिय थे। जब वो मुजफ्फरपुर में कमिश्नर हुए तो राजन बाबू ने उनसे कहा, राजन बाबू तब राष्ट्रपति हो गए थे और वो किताब चंपारण वाली किताब अपनी रिवाइज कर रहे थे, उनके मित्र रामनवमी प्रसाद उसमें इन्वॉल्व थे जो गांधी के साथ वो भी गए थे चंपारण। तो उन्होंने कहा सोनी साहब से कि सोनी जी ऐसा है, अगर आप मुजफ्फरपुर में हैं तो कमिश्नरी ऑफिस में इस बात का ध्यान रखिएगा कि चंपारण से जुड़ी कोई सामग्री मिले, कोई दस्तावेज मिले तो उसको आप संभाल के रखिएगा। कायदे से चंपारण से जुड़े सारे दस्तावेज आर्काइव को दिए जा चुके थे और तब तक बड़े हिस्टोरियन थे बीबी मिश्रा। बीबी मिश्रा भी चंपारण आंदोलन के दस्तावेज जमा करने लगे थे, वो दस्तावेज छपे हैं चंपारण मूवमेंट के डॉक्यूमेंट के नाम से ही, काफ़ी भारी भरकम है। तो सोनी साहब के हिसाब से या सरकारी हिसाब से तो कमिश्नरी दफ्तर में कोई भी कागजात बचा नहीं था पुराना, लेकिन एक दिन जब सोनी जा रहे थे दफ्तर से तो किसी कोने में उनको एक बड़ा लाल कपड़े में बना गट्ठर दिखाई दिया। जब उन्होंने उसको धूल वगैरह झाड़ के साफ कराया तो पता लगा ये तो चंपारण से के बारे में लिखी चिट्ठियां हैं। तो उनकी वो बहुत खुश हुए और उन्होंने राजन बाबू को फ़ोन किया कि इतनी चिट्ठियां मिल गई हैं। राजन बाबू ने कहा कि उन सब की दो दो तीन तीन कॉपी तैयार करा लो और मुझे भी दिखाना, लेकिन वीवी मिश्रा को भेजो, वो दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, और रामनवमी बाबू को भेजो क्योंकि वो किताब रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें उसका कुछ इस्तेमाल होगा। ये प्रकरण यहाँ तक तो दस्तावेज मिलने का अपनी जगह है। राजन बाबू हर साल दशहरा में अपने गांव जाते थे, छपरा के थे तो वहाँ जाते थे जीरादेही। तो जब वहाँ गए तो सोहनी पूरे कागजों का एक सेट लेके उनके पास पहुँचे और सोहनी इस बात से हैरान थे कि जो भी दस्तावेज वो निकाल के वहाँ सामने रख रहे थे, राजन बाबू लगभग उस पूरे दस्तावेज के कंटेंट को वहाँ रख दे रहे थे। चिट्ठियाँ 17 की थीं और ये घटना 1953 की है। इतने बरस बाद, 38 साल बाद, उन चिट्ठियों को याद रखने वाला आदमी
हमारे मुल्क का राष्ट्रपति हुआ और इतना भला और बाकी चीज़ें उनके व्यवहार की जो भी हैं, लेकिन इस किस्म का विलक्षण आदमी और इस तरह के काफ़ी सारे किस्से हैं। ये किस्सा खुद सोनी ने उसी किताब में, चंपारण में महात्मा गांधी किताब की भूमिका में, अगले संस्करणों में ये प्रकरण लिखा है। मैं वहीं से आपको ये सुना रहा हूँ। तो ऐसे थे हमारे राजन बाबू और ऐसे थे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नायक और सारे लोग भी। राजन बाबू का चंपारण प्रेम जिंदगी भर रहा, बल्कि ये एक प्रकरण और है जिस पे मैं किसी दिन चर्चा करूँगा कि गांधी को जहर देने की कोशिश हुई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, वो प्रकरण गांधी ने कहीं सामने आने नहीं दिया। बहुत बाद में जब राजन बाबू ने ये प्रकरण खोला तब जाके चीज़ें सामने आईं। वो प्रकरण की चर्चा मैं किसी और दिन करूँगा, लेकिन राजन बाबू की प्रतिभा और ये नैसर्गिक गुण जो उनके अंदर था उसका जिक्र जरूरी था। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।